हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा आपके दिलों में, जोश जगाता रहूंगा। हेलो, गुड आफ्टरनून. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मैडम. माय नेम माय नेम इज नरोला, कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ यस बैंक. दिस कॉल इज रिकॉर्डेड फॉर इंटरनल क्वालिटी मंथली पर्पस. एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर कुलदीप? होल्ड होल्ड होल्ड. शंकर? हाँ मैडम, बताइए. तो कुलदीप जी बात कर रहे हैं ना? कुलदीप जी बात कर रहे हैं मैडम, बताइए क्या सहायता कर रहे हैं आप? यस बैंक के क्रेडिट कार्ड की रिगार्डिंग कॉल है. एंडिंग नंबर क्रेडिट कार्ड की आपकी 8946 है, ठीक है? लिमिट है आपके क्रेडिट कार्ड की, अगर आप चेक बोलिए मैडम. बोलिए आप, बोलिए. लिमिट जस्ट अ सेकेंड. आपके जो एंडिंग नंबर क्रेडिट कार्ड की 8946 लिमिट है 50,000 की. बिल टोटल आउटस्टैंडिंग आपको जनरेट हुआ था वो 8,825 रुपए हुआ था. मिनिमम आपका 2,226 रुपए है. और ड्यू डेट आपकी अगर आप चेक करेंगे तो मात्र आपके जो ड्यू डेट थी वो 8 मार्च थी. तो आज हो गई है 18 मार्च, तक दो दो बिल जनरेट हो चुके हैं 17 फरवरी 17 मार्च के. तो पेमेंट का बताइएगा. पेमेंट का मैडम क्या बताऊंगा आपको, कुलदीप जी ऑलरेडी दो दो बिल अगर जनरेट हो जाते हैं तो 3.5% मंथली वाइज ऑन डेली बेसिस अगर आप चेक करेंगे तो आपको इंटरेस्ट लग रहा है. अब पेमेंट क्या है आपका बढ़ता जा रहा है. आपका बजाज वालिया मैडम पेमेंट का, मैडम ये तो मैडम पेमेंट का तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैडम बता के कोई फायदा नहीं आपको. लेकिन बताइए तो हो गया पेमेंट तो बता दीजिए. मैं सिंपल सी बात है, अगर नहीं हुआ तो अभी मुझे बताइए मैडम. इसका ना रिसीव की पे करना और डिस्पोजिशन में लिखना सन लिखिए. सॉरी, रिसीव की पे डिस्पोजिशन में सन. सर डिस्पोजिशन में क्या लिखना है वो तो सर हम पे निर्भर करता है ना सर, हम लिखेंगे उसके लिए. आप डोंट वरी, बस पेमेंट का बताइए. हम कलेक्शन से बात कर रहे हैं. रिसीव टू पे. हाँ जी, रिसीव टू पे. सर मुझे ना आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, इसलिए मैडम रिफ्यूज टू पे. रिफ्यूज टू पे सर क्यों लिखेंगे आप बताइए मुझे. वो खुल दीजिए, पेमेंट होना इसलिए जरूरी है. ऑलरेडी आप यूज कर चुके तो उसका पेमेंट करना तो बनता है मैडम. वो ही तो है ना, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना मैं आपको बताऊंगा, आप समझोगे नहीं, बताने का फायदा ही नहीं. कोई बात नहीं, पेमेंट का बताइए ना. मैं पेमेंट के लिए पेमेंट का ही बता रहा हूँ. रिफ्यूज टू पे, रिफ्यूज टू पे कलेक्शन की लैंग्वेज में बता रहा हूँ. आरटीपी. सर उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, थैंक यू बताने के लिए, ठीक है. मैं पेमेंट के रिगार्डिंग जिसके लिए आप कॉल करें वो बताइए. मैडम थोड़ी सी दिमाग तो कम हो गया, आपने डीआरए करा है या नहीं करा है बताइए पहले. हम डीआरए की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको कॉल नहीं. मैडम मैडम आपने जब आपने जब आपने जब ट्रेनिंग ली थी तो क्या यही ट्रेनिंग ली थी कि कस्टमर के पिकअप जाना एकदम? कस्टमर बोल रहा है आपसे फीस पर नहीं देगा, आप बस वही बात सर पेमेंट पेमेंट की बता रहे हो. और मैं आपको शादी की प्रपोजल दे रहा हूँ मैडम, शादी कर लो उससे. कुलदीप जी आपको इसलिए हम आपको कॉल नहीं कर रहे, हम आपको ये प्रोफेशनली कॉल कर रहे हैं. मैडम प्रोफेशनली मैं कौन सा आपसे कह रहा हूँ कि मुझसे शादी कर लो. कुलदीप जी ये अनप्रोफेशनल है ना सर. मैडम मैं प्रोफेशनली कॉल कर रहे हैं, प्रोफेशनली बात कर लीजिए. मैडम मैं बोल रहा हूँ रिप्लीज, पैसा दूंगा नहीं मैं, कंडी कर लो. अब मैडम ये मत कहना मैडम, मैडम अब जो है ना, अब मैडम अब आप ये मत कहना कुलदीप जी अरेंजमेंट कर लो. पेमेंट हुआ है आपका या नहीं हुआ सर? मैडम नहीं हुआ पेमेंट. नहीं हुआ तो फिर क्यों नहीं हुआ ना, वजह बताइए मुझे. रिफ्यूज टू पे करना है मुझे, इसलिए नहीं हुआ. नहीं कर सकता है ना, पेमेंट बताइएगा कृपया. चलिए कर दीजिए मात्र, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए दो दो बिल जनरेट हो चुके हैं. अगर दो दो बिल जनरेट हो जाते हैं आपको भी मालूम हो, फील्ड में आपके साथ विजिट कर सकते हैं ना टोटल बिल के लिए. फिर आप जिस तरह जाहिर सी बात तभी आपको करना है. और सबसे बड़ी बात है कि देखिए लिमिट के अंदर है कार्ड आपका. नहीं जैसे सेकेंडली आपने क्या. मैडम मैं ना तैयार हूँ पूरा फील्ड विजिट के लिए. क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कॉल आई सर आपको ये. मैडम मैं बोल तो रहा हूँ मैं फील्ड विजिट के लिए तैयार हूँ, आप आओ घर पर आओ, ट्राइजेशन लेटर विद कंप्लीमेंट आईडी लेकर आओ. कुलदीप जी पेमेंट का बताइए ना, क्यों नहीं कर रहे, क्या बस मैडम? मैडम मैंने कहा आपसे बोला कि आपकी बहन बहुत सुंदर है उसको मेरा विवाह करवा दो. मैं आपको पेमेंट की बता रहा हूँ उसकी. मैंने आपसे बोला कि आपकी बहन एकदम कमाल लग रही है, उसको शादी करवा दो. तो मैडम मैं भी पेमेंट की तो बता रहा हूँ. प्रोफेशनली बात करिए, प्रोफेशनली
बात कर लीजिएगा। तो मैडम मैं आप एक बात बताओ, मैंने आप एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला आपकी बहन एकदम कमाल लग रही है, इससे मेरी शादी करवा दो। मैंने आपसे यही तो बोला मैडम, पैसा दूंगा नहीं, कंडीशन चल रहा है। अब आप बार बार पूछोगी या पैसे की बता दो, मैडम क्या बताऊँ, बता दो एक बार में ही। ठीक है मैडम, खोल दीजिए। अगर आप अनप्रोफेशनली यूज करेंगे आपको कॉल डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी। कृपया करके आप क्रेडिट कार्ड के बारे में बताइए। पेमेंट मैडम, मैंने आपको पेमेंट के बारे में बता दीजिए। अनप्रोफेशनल कहाँ यूज कर रहे हो मैडम? आर टी टी मैडम, कंडीशन चल रहा है, इसके बाद में पैसे दूंगा मैडम। और आप ये मत कहने की सर अरेंजमेंट कर लो, अरेंजमेंट कर लो, अरेंजमेंट कर लो। ओके मैडम, तो आप ये डायरेक्टली तो बता सकते सर, जब आपको कॉलेज प्रोफेशनली आई तो बाकी एक्सेट्रा बातें क्यों कर रहे हैं ना सर? मैडम आप कर रही है मैडम, आप मैडम मैंने आपसे पहले शुरू में बोल दिया था मैडम, आरटीपी आप कर रहे हैं सर, पेमेंट कर रहे हैं बताओ। मैंने की मैडम आरटीपी आपसे पेमेंट, मैडम आरटीपी जब मैंने तीन शब्द आपको बता दिया आरटीपी, मैडम आप बार बार एक ही बात पूछिए सर पेमेंट के बारे में। मैडम पेमेंट के बारे में तो बता रहे हैं, ये थोड़ी कह रहा हूँ आपसे कि मैडम आपकी बहन एकदम कमाल लग रही है, इससे मेरी शादी करवा दो। पेमेंट भी तो बता रहे हूँ आरटीपी। कुलदीप जी अपना पेमेंट करिए कृपया। अच्छे मैडम, मैं इतना बता दूंगा लेकिन तो शायद अगर बता दूंगा, पहले कह रहा था आपको बता दूंगा तो शायद नहीं सर। और दोबारा आप इस तरह की बात मत करिएगा सर, अदरवाइज सर आप भी आपको भी मालूम पेरेंट ऐसे कॉल आ रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब होंगे फिर मैडम। जैसे आपका पेमेंट नहीं होगा, आपने पेमेंट करना मैडम। आप मैडम जी आपको प्रोफेशनली कॉल, एक प्रोफेशनली कॉल है उसमें मैडम क्या नाम था मैंने, क्या नाम था आपका मैडम, क्या नाम था आपका मैडम, नाम क्या था आपका नाम मैडम, नाम क्या था आपने अपना सर? हमने आपको ऑलरेडी आपको सबसे पहले अपना नाम ही बताया मैडम, मैं वो फोन किया है दोबारा पूछ रहा हूँ आपका नाम, क्या नाम बताया था? कोई बात नहीं पहले पेमेंट का बताइए मैडम, एक बार नाम तो कन्फर्म करो, नाम तो बताया करो। नहीं कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको पेमेंट का। मैडम आपको ये नहीं पता, अगर कस्टमर पूछ रहा है आप जब प्यारे होते हैं तो नाम आप दोबारा कन्फर्म करोगे जब कस्टमर पूछ रहे तो? मैडम टाइम टू टाइम तो ठीक है, लेकिन मैडम आपको ये तो पता होगा जब आप दोबारा उतर आएगा, कस्टमर एक बार आपसे दोबारा नाम पूछ रहा है तो आप बताओगे? बताओ तो सर अपना नाम, ऑलरेडी बता चुके हैं मैडम। ऑलरेडी मैंने भी तो बता दिया, मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं मैडम आपकी बड़ी वाली बहन ज्यादा सुंदर थी, उससे ज्यादा कमाल लग रही है आपकी छोटी बहन, उससे मेरी शादी करा दो। नहीं मैडम मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे आरटीपी बोल रहा हूँ, सीधा सीधा आरटीपी। मैंने मैडम आपसे कहा कि मैडम आपकी बड़ी वाली बहन तो मैडम माल कमाल थी, लेकिन मैडम छोटी वाली इससे ज्यादा कमाल माल है, तो मैडम उससे शादी करा दो। मैडम मैंने आरटीपी बोला। कुलदीप जी ये प्रोफेशनल कॉल है, कृपया करके प्रोफेशनली बिहेव मेल में बात कर लीजिए, ठीक है? कोई पर्सनल कॉल आपको नहीं की जा रही, और पर्सनल कॉल तो हम आपको करेंगे ही नहीं मैडम। मैंने आरटीपी बता दूंगी, और कैसे बताऊँ आप एक बात बताओ, कैसे बताऊँ चलो मैं, आप बताओ। पेमेंट करिए कृपया। पेमेंट मैडम आर टी रिफ्यूज टू पे। उसके लिए कॉल ही नहीं कर रहे ना हम आपको। तो मैडम किसके लिए कॉल करेंगे? कुलदीप जी जब क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना, जब आप क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं उस समय आपको बताया जाता है ना आपका मंथली बिल जनरेट होगा, उसके बाद आपको क्या मंथली जब बिल जनरेट होता है ना, उसके बाद बैंक आपको 20 दिन का इंटरेस्ट फ्री टाइम देती है पेमेंट करने के लिए, तो 50 दिन बैंक ने आपको दिए पेमेंट करने के लिए। मैडम बैंक ने नहीं दिए, आज सिक्योर लोन है, बैंक मेरा कुछ उधार नहीं पाया इसलिए मुझे टाइम मिल गया, बैंक ने दिए नहीं मैंने लिए है, क्योंकि बैंक को उधार मिल सकता मेरा। बाकी मैडम आपने थोड़ी टाइमिंग बोल रहा है, आपको जो बता दिया जो करा दिया वो बता दिया, कोई बोल रही है बैंक को भी पेमेंट की ना, बैंक को भी ना पेमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब आप खुद बताइए, आप किसी का बैंक का पैसा अगर आप यूज करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है ना, उससे टेंशन ना। आप तो ना आपको एक ही बात बता दिए कि बैंक जो है ना, बैंक तुम्हारा ओनर है, तो बैंक के लिए अपनी जान दे दो, बैंक के लिए कस्टमर की ऐसी तैसी कर दो, बस कस्टमर से एक ही बात पूछनी है, तुम्हें पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो, बैंक तुम्हारा लॉर्ड है, लॉर्ड। आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमने कोई ऐसे इस टाइप के वर्ड यूज नहीं करे। मैडम नहीं मैडम, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने वही तो आपकी जो एजेंसी है ना उसमें बता दिया कि मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ और एक बैंक तुम्हारा लॉर्ड है, तो इसलिए अगर बैंक के लिए, बैंक के लिए मैडम वो मैडम सुनते हो मैडम, बैंक के लिए तुम्हें कस्टमर की ऐसी तैसी करनी पड़े करो, लेकिन पेमेंट 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 ला के दो, ला के दो, ला के दो पेमेंट, क्या कस्टमर घर खा के मर जाए, आत्महत्या कर ले, लेकिन पेमेंट ला के दो। अगर आपके दो दो
बिल जनरेट हो जाए सर, अगर ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, बैंक ने आपको इतना समय दिया था पेमेंट करने के लिए, ऐसा तो नहीं कि बिना बिल जनरेट हुए, बिना बिल जनरेट हुए आपको कॉल आ रही है। मैडम मैं भी तो वही बता रहा हूँ मैडम, मैं भी तो नहीं दिया हो तो आप बोलते ना मैडम, मैं भी तो वही बता रहा हूँ, कृपया बड़ी यूज मत करिएगा मैडम, मैं भी तो वही बता रहा हूँ मैडम, मैं भी तो वही बता रहा हूँ मैडम, मैडम मैं पैसे दे नहीं दे पाएंगे तो कब तक पेमेंट हो जाएगी मैडम? ये तो 2-3 महीने में, 2-3 दिन, 2-3 महीने बोल रहा हूँ, आफ्टर 2 या 3 मंथ। You understand, madam? After नहीं मैडम, थैंक यू सर, बैंक की वीडियो एस बी आई बना। हेलो हेलो, यस मैडम, मोहित जी से बात हो रही है? हाँ मोहित जी से बात हो रही है मैडम, सॉरी मोहित जी से बात हो रही है मैडम। अच्छा मोहित जी बात करें ना, हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून, मैं एचडीएफसी बैंक से ज्योति बात कर रही हूँ, मैं रिकॉर्डेड लाइन पे आपसे बात हो रही है। हाँ ज्योति जी, रिकॉर्डेड लाइन पे आपसे बात हो रही है, बताइए। हाँ जी सर, आपकी कार्ड की पेमेंट के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया है। हाँ आप पेमेंट नहीं करा रहे सर इससे? ज्योति जी डिस्पोजिशन पड़ी है ना, सॉरी मैं कह रहा हूँ डिस्पोजिशन पड़ी है ना इसका, डिस्पोजिशन क्या इशू है सर आप बता दीजिए। ये ना इंटेंशनली इशू है सर, आपसे पूरे महीने में अभी बात हो रही है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या बोल रहे ज्योति जी, फंड इशू है? आप खुद कह रहे सर इंटेंशन इशू है, फंड इशू है, फंड इशू है, बताइए फंड इशू है तो सर ये इंटेंशन इशू कैसे हो गया? क्योंकि अब आपको मैं समझाऊंगा थोड़ी देर, आप जो है ना कम से कम 8 से 10 मिनट मेरा दिमाग खाओगी, क्योंकि मुझे पता है रिकवरी एजेंट बहुत दिमाग खाते हैं। उसके बाद एंड में मैं जब हार जाऊंगा तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि इंटेंशन है, आप भी यही बोलोगे कि सर आपका इंटेंशन है, आप दोगे नहीं, तो इसलिए वो पहले से ही मैं सोचा इंटेंशन बता दूं। आप बता दीजिए सर कि क्या इश्यू है, मुझे नहीं पता आपकी किससे बात हुई है, किसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं सर? मैडम फ्रस्ट्रेट नहीं मैडम, मैडम एकदम बिल्कुल ना हर समय खुश रहता हूँ, एकदम हंसता खेलते हैं, फर्स्ट एड मैडम कभी नहीं होता। मैडम मैं आपको बता देता हूँ, मेरा मेरे पास ना प्रॉब्लम है, मनी नहीं है अभी इस समय, फंड इश्यू चल रहा है, मैं मैडम ये पेमेंट अभी कर नहीं पाऊंगा। ऐसे कर नहीं पाएंगे बट सर पेमेंट तो काफी लॉन्ग टाइम से नहीं किया है आपने, तो ये इश्यू मतलब काफी टाइम से है या जॉब? मैडम काफी टाइम से है ना, और ऊपर से मल्टीपल लोन भी है, मल्टीपल डेट। अच्छा सर पेमेंट मतलब कि फंड इशू सर और भी टाइप के होते हैं ना, तो मतलब किस रीजन से फंड इशू है, फंड क्यों नहीं है सर जॉब की? मैडम क्यों नहीं है फंड? मैडम जहाँ मैं जॉब करता था ना पहले, वहाँ से जॉब लेस हो गया, तो मैडम फिर जब दूसरी जगह मुझे जॉब मिली है ना, उसमें मैडम एक तो सैलरी कम, अब मैडम आप बताओ जब आदमी की 60,000 रुपए सैलरी है तो मैडम 30,000 रुपए का खर्चा भी होगा है नहीं मैडम? तो मैडम जो नई जगह पर मैं आया हूँ वहाँ मैडम ये समझ लीजिए आप 40,000 रुपए सैलरी है, उसमें मैडम खर्चा भी मैनेज करना है, ऊपर से मैडम मल्टीपल डेब्ट, तो बाकी मैडम एक ना अभी मैडम रिलेटिव को ना पैसों की जरूरत पड़ गई थी, थोड़ा हेल्थ इश्यू आ गया था तो देने पड़े थे, क्योंकि मैडम पहले मैडम दूसरे की जान है ना। बिल्कुल ठीक है सर, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही, आप ये बता सकते हैं सर कि मतलब पहले जॉबलेस थे, अभी आपकी जॉब लग गई है, आप कह रहे 40,000 रुपए की अर्निंग है? हाँ मैडम। अच्छा अभी लग गई है, तो सर क्या आप इसको सेटलमेंट कराने का नहीं सोच रहे मैडम? ये कौन से बैंक का था मैडम? सॉरी कौन से बैंक का था? HDFC का? HDFC बैंक का मैडम। HDFC का आप अगर मेरे अकॉर्डिंग वेवर दिलवा दो तो सेटलमेंट की बात मैं सोचता हूँ। कितना आपके अकॉर्डिंग कितना वेवर मांग रहे मैडम? मेरे अकॉर्डिंग आप HDFC मानो 19% में सेटल हो जाएगा, 19% में सेटलमेंट हो जाए, बाकी का वेवर मिल जाए, आप ये कह रहे हैं? हाँ मैडम, क्योंकि मेरे पास ना सेटलमेंट लेटर पड़े हैं, क्योंकि मैडम अभी मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ ना, मैं KKB एसोसिएट नाम की एजेंसी में TL हूँ, रिकवरी एजेंसी है मैडम, बहुत सारे सेटलमेंट लेटर हैं, आप बोलो किसका चाहिए आपको सेटलमेंट? सर आपका टोटल आउटस्टैंडिंग पे आप अगर 19% पे कह रहे हैं, वो 19% पे सेटलमेंट नहीं होता सर, टोटल आउटस्टैंडिंग पे जो आपका सेटलमेंट अमाउंट आ रहा है ये 1,60,000 रुपए। मैडम टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? टोटल आउटस्टैंडिंग सर 4,53,53.11 रुपए है मैडम। ये ना 4,02,53 रुपए आप मानते चलो मेरे अकॉर्डिंग, ये मैडम तुम्हारा 80,000 के अंडर हो जाएगा सेटलमेंट।
आपके अकॉर्डिंग। हाँ मैडम, सर मैं अपडेट कर लेती हूँ फंड्स वगैरह का इशू है, क्योंकि सर आपको आई थिंक पहले से ही सारी चीजें की नॉलेज है, आप खुद भी कह रहे हैं कि आपकी भी बात हुई ऑलरेडी इतने देर तक बात होती है, मैं अपडेट कर लेती हूँ सर, वेरी सॉरी 19% मैडम मैं बता तो रहा हूँ मैडम, मैं अभी इस समय एजेंसी में बैठे हूँ केकेबी एसोसिएट नाम के मैडम, TLO यहाँ पे रिकवरी एजेंसी है। सॉरी आप क्या कह रहे हैं सर? मैडम यहाँ केकेबी एसोसिएट नाम की रिकवरी एजेंसी है, यहाँ पर मैं TL हूँ, TL यहीं पे तो बैठे हूँ कैबिन में अपने। अच्छा कहाँ पे सर, कौन सा एड्रेस बता रहे हैं? मैडम ये दिल्ली में है। दिल्ली में, ओके तो सर सेम प्रोफेशन से बात कर रहे हैं आप? क्या मैडम? सेम प्रोफेशन से बात कर रहे हैं सर आप, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं ना सेटलमेंट का पता है आपको और बाकी सारी चीजें भी। मैडम प्रोफेशन से मान लो या कैसे भी मान लो, आप मेरे पास लेटर भी पड़े, आप बोले तो 19% का भेज दो अगर आप वेवर करा पाओ तो, ठीक है नहीं करा पाओ। सर अगर सर आपके पास अगर किसी और एजेंसी का या फिर कहीं से सेटलमेंट का लेटर पड़ा है, इसका तो सेटलमेंट नहीं हुआ है ना आपका, आपने अगर पहले कराया होता कुछ अमाउंट बचा होता तो मैं सोचती तो कोई नहीं मैडम, कोई नहीं मैडम, आप एक काम करो इस पे ना, अगर अभी के अकॉर्डिंग आपको बताऊँ तो आप इस पे ना RTP डाल दो, डिस्पोजिशन में फंड इश्यू लिख सकती हो आप, नो टेंशन। तो सर आपको इतनी सारी नॉलेज है इसी वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि आप तीन प्रोफेशन से बात कर रहे हैं सर। हाँ मैडम। अच्छा ओके सर, एक बार एड्रेस कंफर्म करा सकते हैं मैडम? कहाँ का? जहाँ से अभी आप बात करें या तो आपका जहाँ ऑफिस होगा वो? मैडम यहाँ मैं ना दिल्ली में हूँ, आप यहाँ का एड्रेस लिख लो। हाँ मैं दिल्ली में ही, मैं भी दिल्ली से ही बात कर रही हूँ सर। हाँ तो मैडम ठीक है मैडम, आप लिख लो एड्रेस। एक सेकंड सर, आप एड्रेस नोट करा। मैडम आप यहाँ, मैडम आप यहाँ जानती हो JJKM तिगड़ी को? मैडम JJKM तिगड़ी सुना है आपने? सॉरी आप क्या कह रहे हैं सर? JJKM तिगड़ी सुना है आपने? सर एक्चुअली वॉइस है ना कुछ ज्यादा ही क्लोज से आ रही है तो आवाज है ना थोड़ी। मैडम आपने JJKM तिगड़ी सुना है? JJKM तिगड़ी, JJKM, JJKM तिगड़ी, GD या GG? मैडम तिगड़ी सुना है? तिगड़ी तिगड़ी तिगड़ी, JJKM, J for Jambu, J for Jambu, JJKM तिगड़ी। अच्छा अच्छा JJKM, ओके सुना है मैडम? ओके नहीं सर मैंने नहीं सुना सर। हाँ तो मैडम आप यहाँ का एड्रेस लिख लो आप। हाँ आप बता दीजिए ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है सर या कोई आप अपना न्यू एड्रेस बता? मैडम न्यू एड्रेस है ना, यहाँ मैं एजेंसी में काम करता हूँ तो मैं यहीं आके रहने लगा हूँ। अच्छा जी मैडम लिख लो आप, हाउस नंबर 38, हाउस नंबर 38, हाँ नियर बाई SBI बैंक, नियर बाय SBI बैंक, SBI बैंक, जे ब्लॉक, हाँ JJKM तिगड़ी। ओके हाँ मैडम, और मैडम वो लिख लो, मैडम वो तो लिख लो इसका कोड, पिन कोड मैडम ये न्यू दिल्ली कोड है 110062। ठीक है थैंक यू सो मच सर प्रोवाइड कराने के। तो मैडम आप मैडम एग्जीक्यूटिव भेजोगी? नहीं सर हमारी बैंकर विजिट करते हैं, मैं बैंकर से बात कर लेती हूँ कि अगर वो आपको अपने जो भी है नंबर हमारे यहाँ से सिस्टम जनरेटेड नंबर होते हैं उनके पास भी होते हैं या तो आपको वो वैसे कॉल कर लेंगे, अदरवाइज जो भी बात होगी आपकी। तो मैडम आप एक बात बता मैडम, बैंकर अगर मुझसे बात करेंगे तो मैडम क्या बात करेंगे वो? सर बैंकर आप कह रहे हैं ना 19% पे सेटलमेंट कराने के लिए तो मैं इस रिगार्डिंग आपसे बात करी, आप इस चीज को और किसी वे में मत ले जाइए, मैं आपको आपका एड्रेस या जो भी है मैं आपको इसलिए मेंशन कर दूंगी। ओके मैडम, मैडम आप ना बैंकर से पूछना बाकी, मैंने ना मैडम मैंने ना आपने खुद बोला ना सर कि आप 19% में सेटलमेंट। मैडम मैं ना एक मिनट प्रोवाइड कर, मैडम मेरे ना फोन में ना सेटलमेंट लेटर पड़ा है, मैं एक मिनट देखता हूँ HDFC का, आप होल्ड कर। कोई बात नहीं सर, आपका जो सेटलमेंट लेटर है वो HDFC बैंक का है। हाँ मैडम मैं एक मिनट होल्ड करना आप, मैं चेक करता हूँ उसको, और कितने क्या पता मैडम मैंने ज्यादा बता दिया। आपका जो सेटलमेंट लेटर है क्या इसी कार्ड का है 0653 जो आपका HDFC बैंक का चल? मैडम सेटलमेंट लेटर बैंकों के होते हैं, कार्ड के तो अलग अलग होते हैं मैडम, ये लो HDFC का 19.6%। ऐसा नहीं होता है ना कि आपके पास कोई सेटलमेंट लेटर है उसके बिहाफ से आपका सेटल हो जाएगा ये? मैडम आप ना मैडम आप ये मैडम आप किसको बता रही हो? मैडम TL को बता रही हो आप? कोई बात नहीं सर, सब प्रोफेशन अलग अलग होते हैं, आप एजेंसी से बात करें मैं बैंक से बात। मैडम आप बैंक से बात कर रही हो तो मैडम आप ये तो देखो ना अगर सामने वाले को पता है। अब आप
हाँ तो सब कुछ पता है तो सर आपको सोचे ना, आप सेम प्रोफेशन से बात कर रहे हैं, आप फिर भी खुद चीजें नहीं समझना चाह रहे। मैडम समझ तो रहा हूँ लेकिन मैडम आप नहीं समझी, मेरे ऊपर मल्टीपल डेप्ट है ना, क्या करूँ मैडम। कोई बात नहीं सर, आपके पास सेटलमेंट लेटर जो है मैं आपकी बैंकर से कॉल अरेंज करा देती हूँ, आप एक बार बात कर लीजिएगा। ठीक है मैडम, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।